ऑल राइट हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मॉन्की टूज ओ 77 साइबरपंक कंसेप्ट है, और इसमें ग्लोइंग का बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है। और इसमें मैंने क्या क्या एसेट पहले वाला यूज़ कर रखा है वो है ये फ्लेम जो मैंने पहले भी PNGs में शेयर कर रखी है। ये स्पार्कल्स डस्ट न्यू ऐड करी है मैंने, और बैकग्राउंड भी इसमें थोड़ा दूसरा है, अनस्प्लैश से है सारी चीज़ें। और अगर आपको मेरी ये सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है और ये पैक डाउनलोड करना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, और वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम की लिंक होगी तो वो आपका क्रोम में खुलेगा, और क्रोम से वो टेलीग्राम खुलेगा, तब जाके आप ज्वाइन हो जाएंगे उस ग्रुप में। ठीक है, अगर आपके में लिंक नहीं खुल रही है तो कोई प्रॉब्लम ना होए, पैनिक ना होए। सबसे पहले आपको टेलीग्राम में जाना है, ऐप में जाना है, उसमें सर्च बार आएगा, वहाँ आपको मेरा नाम लिखना है सार्वेंद्र, और डायरेक्ट हिट एंटर कर देना है, आपको डायरेक्ट ग्रुप मिल जाएगा और आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। इसलिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और मैं किसी और वेबसाइट पे अपलोड नहीं करता अपना कंटेंट, क्योंकि वहाँ से डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, कॉपीराइट इशू आ जाएगा। गूगल ड्राइव पर डालूंगा तो वहाँ से रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये बेटर रहता है मेरे लिए और आप सबके लिए भी, कि आप एक्सेसिबल रहेंगे, चाहे आप 1 साल बाद आएँ चाहे 10 साल बाद आएँ, वो कंटेंट वहीं पे ही रहेगा, आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। ड्राइव पे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो चीज़ हट जाती है वहाँ से, मेनली और मोस्टली मैंने देखा है, क्योंकि इसमें मैं अनस्प्लैश की यूज़ कर रहा हूँ, तो उसे मैं लाइक सेलिंग पर्पज़ या किसी और टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता इमेज की, तो वो हट जाएगी। सो ये एक इशू होता है जिसकी वजह से मैं कहीं अपलोड नहीं करता मीडिया फायर लाइक कोई और साइट वाइट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ, और आज का ट्यूटोरियल बहुत इजी है और इसके लिए आपको ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी बनाया इस बार मैंने ट्यूटोरियल। कंपोजिट करना बहुत मेन है। सबसे पहले मैंने यहाँ BG लिया है, और BG है यहाँ पे सेम, तो इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट एस PNG, साथ में ही करते हुए चलता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे बना देते हैं मॉन्की 2077। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ PNG जाती हुई हमारी BG। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ऐड करा है यहाँ पे ये टेरेस। ठीक है, तो टेरेस की भी PNG एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जब टेरेस ऐड करा तो मेरे को यहाँ लगा कि टेरेस लाइक जस्ट बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने कर्व्स डाल दिए, सिंपल कर्व डाउन कर दिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आप जितना आपको डार्क करना हो आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली है और कोई इसमें पैनिक होने वाली बात भी नहीं है। और फिर उसके बाद HSL से मैंने ब्राइटनेस डाउन करी है। क्यों करी है, क्योंकि जब मैं अपने आप को प्लेस करूँगा तो बैकग्राउंड मेरे से ज़्यादा ग्लो ही दिखेगा, तो सारा ड्रैग अटेंशन पीछे की तरफ चला जाएगा, इसलिए मेरे को अटेंशन फॉरवर्ड देखने के लिए पीछे HSL की मदद से लाइटनेस को गायब करना था, तो लाइटनेस 30 पे करना है आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कर्व्स डालने, और कर्व यहाँ से साइड से 2 बॉक्स नीचे लाना है बस। ठीक है, इससे और ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी, और इन दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं कैसे हैं। ये चीज़ हर चीज़ के पिक्सल, मतलब जो पिक्सल की डेंसिटी होती है उसे कम करता है, और ये हर जगह से कम कर देता है बजाय डेंसिटी को कम करने के HSL। ठीक है, कर्व में क्या होता है, पिक्सल की साइड से होती है, तो HSL भी बेटर है और कर्व भी बेटर। मैंने यहाँ दोनों यूज़ करे थे जस्ट लोअर करने के लिए। उसके बाद जस्ट मैंने, ये बाद में आएगा, पहले सबसे पहले मैंने अपने आप को प्लेस करा है, और ये जस्ट बैकग्राउंड ऐसे था, और उसे कट कर रखा है, और कट करने के लिए मैंने एक पहले से ट्यूटोरियल बना रखा है, हेयर कटिंग ट्यूटोरियल, आप ज़रूर देख सकते हैं। और इसमें हेयर कटिंग आप देख सकते हैं कितनी बारीकी और कितने अच्छे से कर रखी है मैंने, एक एक बाल बिल्कुल परफेक्ट कटा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कटिंग अचीव करनी है तो आप मेरा वो ट्यूटोरियल ज़रूर देखें, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है, 20 या 22 मिनट का ट्यूटोरियल है और आपके लिए वर्थ रहेगा, लाइक फ्री है, कोई कॉस्ट भी नहीं है उसकी, और चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलेगी, सो उसमें भी पूरा आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड करा था, सबसे पहले ऐड नहीं करा था, जस्ट अपने आप को लोअर डिम करा था, लोअर डिम HSL से, HSL की लाइटनेस से आपको यहाँ 22 पे रखनी है, और यहाँ पे जस्ट मास्क करना है जो जो आपके लाइट पार्ट है।
ठीक है, यहाँ से मास्क, मास्क करने के लिए क्या होता है, यहाँ से आपको ब्रश लेना होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइट है तो आपको ब्लैक ब्रश लेना है और जस्ट जहाँ जहाँ आपको पेंट करना है वहाँ वहाँ कर सकते हैं और वहाँ लाइटनेस आती जाएगी। ठीक है, और इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको ये क्लिप करना होगा नीचे के साथ, ऑल्ट दबा के क्लिप होगा ये। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ऐसा एक आइकन आ जाएगा और लाइटनेस को नीचे कर देना। ठीक है, सो अगर मैं मास्क बंद और चालू करता हूँ तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ वहाँ मास्क कर रखा है जहाँ जहाँ ग्लो चाहिए था मुझे। उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे एज ग्लोइंग करी थी। एज ग्लोइंग कैसे करेगी थी, मैंने रिम लाइट के ट्यूटोरियल्स पहले से बना रखे हैं मेरे चैनल में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रश लिया था, एक सॉफ्ट फेदर्ड ब्रश लिया था बड़ा साइज का और जस्ट क्लिप कर दिया उस लेयर को इसके साथ ऑल्ट दबा के, और फिर जस्ट ऐसे आप ब्रश करेंगे धीरे 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 तो आप इजीली से एक रिम लाइट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, इसी को आप ऐसे धीरे 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 ऐसे, ये आप देख सकते हैं ऐसे करेंगे तो आपकी क्रिएट हो जाएगी वो रिम लाइट अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ जब मैंने रिम लाइट क्रिएट कर दी, क्योंकि यहाँ भी पार्टिकल्स आएंगे और यहाँ भी पार्टिकल्स आएंगे, दो पॉइंट मेरे ग्लो के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कलर लुकअप डाला। कलर लुकअप हर बार डालता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा ग्लो एनहेंस हो जाता है जस्ट। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ सबसे पहले अपने मंकी को ऐड करा था, मंकी को यहाँ रखा मैंने और जस्ट मैंने कट कर रखा है, और मैं ये मंकी की पीएनजी भी आपके लिए शेयर कर देता हूँ मंकी। ठीक है, और ये सेव हो गई है। अब इसके नीचे शेडो बनाने हैं आपने। शेडो बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, और क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसी लेयर को कॉपी करना है, ठीक है, और फिर डबल क्लिक करना है और कलर ओवरले, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लैक कलर। ठीक है, और वी प्रेस करके आपको ये नीचे लाना है ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में लाइट है उधर लेके जाना है, और फिर फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर, और यहाँ तब तक फैदर आउट करना है जब तक आपको एक पॉइंट ना मिल जाए कि हाँ यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप पॉइंट कितना स्मूथ है और ऐसा बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है वो वहाँ पे मोंगी। और इसी की बहुत सारी टेम्पररी लेयर्स आप बना सकते हैं, मैंने बहुत सारी लेयर में कर रखा है, यहाँ एक लेयर, दो लेयर, फिर तीन लेयर, उसी की कॉपी बना रखी है और धीरे धीरे मैंने ब्रश भी कर रखा है। ठीक है, तो आप ये तीन स्टेप में भी कर सकते हैं, आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आप पे कि आपको कैसा अच्छा लगता है कैसा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के ग्लो की। तो यहाँ मैं वॉच पे आ गया था, वॉच जस्ट घर में टाइटन की बड़ी है, टूटी फूटी वॉच है, कोई चलती भी नहीं है, उसमें कुछ है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा है। तो मैं चाहता था कि ये ग्लो हो विदाउट सेल, विदाउट बैटरी किसी भी चीज़ की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चीज़ रखी थी वो रखी थी इनर ग्लो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट में ही, इनर ग्लो में ही वो एकदम से ही ग्लोइंग पार्ट में आ गया। अब ये ग्लोइंग सीखने के लिए आपको मेरा वो ट्यूटोरियल ज़रूर वॉच करना पड़ेगा जिसमें मैंने रिम लाइट ड्रॉ करनी सिखा रखी थी। तो यहाँ पे मैं आपको रिम लाइट ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसमें आएंगे तो जस्ट सिंपल आपको ब्रश भी सेलेक्ट करना है, ये वाला सॉफ्ट राउंड ब्रशेज, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट ब्रशेज, तो ये सारे ब्रशेज आ जाएंगे आपके। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट आपने सिंपल ऐसे स्ट्रोक्स करने हैं, और फिर यहाँ पे करना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, ऐसे ऐसे एजिस पे, और जस्ट क्रिएट करना है, तो वो आपका एक परफेक्ट लुक आ जाएगा वहाँ पे जब आप ग्लो करने जाएंगे। ठीक है, और फिर इसी को जब आप पूरे सही ढंग से करेंगे, जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट लगा के धीरे धीरे टाइम लगाया था जूम करके, तो वो ऐसा ही दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे भी ऑन कर देता हूँ वो सेम ब्लेंड लगेगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और एडिशनल ग्लो रखा था, और वो एडिशनल ग्लो था इसका, मॉन्की की आइस का, लेकिन अभी है नहीं वो मॉन्की की आइस यहाँ पे। इसके ऊपर मैंने अब डाला था वॉच के ऊपर एक बढ़िया सा ग्लो। ग्लो कैसे आया, यहाँ पे हार्ड लाइट यूज़ कर रखा है, जस्ट मैंने ब्रश कर दिया सॉफ्ट पेंसिल ब्रश से बड़ा साइज करके, ऐसे ब्रश करना है आपने और फिर हार्ड लाइट पे ले आना है आपने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्लो आ गया, ऐसे लग रहा है बेंटेन वाली घड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने रिम लाइट ड्रॉ कर रखी है, रिम लाइट बहुत छोटे ब्रश करना है आपने पाँच का, और फिर जस्ट ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपने ब्रशिंग करनी है जहाँ आपको लगता है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक
ठीक है, और रिम लाइटिंग के ट्यूटोरियल मैंने डाल रखे हैं, आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हर वीडियो में मेरे को एक्सप्लेन करना रिम लाइट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी इनको ऑफ ही रहने देता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। सो यहाँ मैंने अब मॉन्की की थोड़ी ब्राइटनेस डिम करी थी। मॉन्की की ब्राइटनेस डिम करने के लिए HSL कोई 30 पे ले आया, 30-22 बहुत बिट बढ़िया रहता है, तो वहाँ पे आप कम कर सकते हो, और फिर जो मास्क करना है आपने मास्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट स्ट्राइक हो रही है इधर वाले पार्ट में, यहाँ से स्ट्राइक हो रही है लाइटें, यहाँ आ रही हैं, तो इस चीज़ का मुझे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ मॉन्की की आई ग्लो थी। ठीक है, मॉन्की की आई में सेम पेंट कर रखा है मैंने, और फिर थोड़ा सा हार्ड लाइट, फिर दोबारा मैंने हार्ड ना वो पिन लाइट यूज़ करी है, तो ब्लेंडिंग मोड से ही देखिए मैं परफेक्ट चीज़ें सारी निकाल दे रहा हूँ, और फिर यहाँ थोड़ा रिम लाइट ड्रॉ कर रखा है मैंने आइज़ पे। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, इंस्टाग्राम पे डिटेलिंग नोटिसेबल नहीं है, और फिर यहाँ पे दोबारा मैंने विविड लाइट यूज़ कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने चार लेयर के अंदर चार ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर रखे हैं, और उससे ग्लो कितना प्यारा आया है। तो ये सारे ग्लो पिक्सआर्ट में नहीं होते हैं, तो ये पिक्सआर्ट में पॉसिबल नहीं है चीज़ें, लेकिन हो सकता है अगर कोई मेहनत करे बहुत ज़्यादा तो। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ रिम लाइट थोड़ी थोड़ी ड्रॉ कर रखी है, लाइक ऐसे यहाँ पे ऐसे आप यहाँ आया जिस पे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़े 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 मैंने ब्रश से वो लगा रखे हैं, इसके क्या कहते हैं, स्किन के फॉर ऑल्ट दबा के सैंपल करेंगे आप यहाँ से, या ऑल्ट दबा के फिर यहाँ पे जो भी आपको सैंपल करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर रखे हैं यहाँ पे मैंने। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आ गई थी, वो थी जस्ट मेरे ये ग्लोइंग पार्टिकल्स, तो इन्हें बोलते हैं ग्लिटर बोल लीजिए आप, कुछ भी बोलिए, ग्लिटर नाम से सेव कर देता हूँ, तो ये ग्लिटर नाम से PNG है, स्क्रीन मोड पे करनी है आपको, आपके में भी ये सपोर्ट हो जाएगी वेल। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े जो इश्यूज होते हैं वो भी मैं आपको रिमूव करना चाहता हूँ, ये जैसे लाइक ग्लोई सर्कल सा हो गया, तो इसमें क्या करना होता है, आपको इधर की साइड से एक डब्बा इधर मूव करना होता है अपने कर्व को। ठीक है, तो ये आपका सब कुछ रिड्यूस कर देगा यहाँ से चीज़ें, और आपका परफेक्ट वो डब्बा हट जाएगा जो आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी यहाँ लाइटनिंग क्रिएट कर रखी है, और वो जस्ट सिंपल है, कोई इतनी हाई फाई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट लीनियर बर्न ब्लेंड मोड यूज़ कर रखा है, और उसके बाद मैंने नीचे हार्ड लाइट दोबारा यूज़ कर रखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ रिम लाइट हैंड पे थोड़ी सी ड्रॉ कर रखी है कि आइस से थोड़ा रिफ्लेक्शन इधर भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये पूरी इमेज मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आपका रिम लाइटनिंग का ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मैं स्ट्रॉन्गली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर देखें उस ट्यूटोरियल को और समझें। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ जस्ट अपने हाथ पे कट बनाया था, और ये कट कैसे बनाया था मैंने, ये पेन टूल से बनाया था, तो कट की भी मैं PNG आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये कट है हैंड, और ये PNGs मैंने यहाँ सेव कर दिया। उसके बाद मैंने ब्रश लिया था, ब्रश को मैंने पिन लाइट पे कर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं पिन लाइट पे ही और कर रहा हूँ तो ये ग्लो अच्छा खासा आ जाएगा, तो आपको कोई पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा यार, ऐसा नहीं हो रहा, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ग्लो इंक्रीज़ करा था, यहाँ पे मैंने वाइट लिया था और इस ब्रश को बड़ा करा था, और थोड़ा टैप टाइप से ऐसे ऐसे मैंने कर रखा था, तो इससे ग्लो बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है। और फिर उसके बाद जस्ट मैंने कलर ग्रेडिंग अप्लाई कर रखी है सिंपल, और ये गैलेंस क्लाउड है, और ये मैंने एग्जाम भी शेयर कर रखी है, बट वो टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ करी थी, और ब्राइटनेस कैसे इंक्रीज़ करी थी, यहाँ ऑटो पे मैंने क्लिक कर दिया, तो जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वही मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये लाइक आपके जब आप कहते हैं कंप्लेनिंग होती है कि यार मेरी फ़ोटो डिम हो जाती है इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ, तो जस्ट एक ये प्रोसेस है जिससे आप रेड पा सकते हैं थोड़ी जल्दी से। और फिर यहाँ मैंने ये ग्लोइंग पार्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेरा हर जगह, ये तो ये हरी जगह यूज़ होता है, मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ,
तो ये हर ट्यूटोरियल में मेनली अब यूज़ हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया है और बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है इससे, तो इसे मैं यूज़ करता हूँ फ्रीक्वेंटली। और उसके बाद मैंने अपना लोगो डाल रखा है एंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है मेरी इमेज। और इसका ट्यूटोरियल साथ 3 बजे 3 बजे के अराउंड 6 बजे तक डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि यार थोड़ा टाइम लगता है बनाने में भी और कंसेप्ट बना के हटा था। सो थैंक यू गाइज, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।